जप तप अनुष्ठान कर रहे हैं, जो कथा श्रवण कर रहे हैं, क्या यही हमारे पुण्य है या इनसे कुछ बिलग हमें तैयारी करनी है, कोई दूसरी चीज हमें बनानी है? एक बार एक समुद्र में एक बड़ा जलपोत जा रहा था। जलपोत में एक छिद्र हो गया। पानी के जहाज में पानी घुसने लगा। पानी घुसने लगा तो स्वाभाविक है कि भगदड़ मच गई। सारे लोग जो उसमें सवार थे, कोई इधर भागे, कोई उधर भागे, जिसको तैरना आता था वो कूदा भी। कुछ ने इंतजार किया कि भगवान रक्षा करेंगे हमारी, कोई चमत्कार होगा। फिर देखा कि भगवान भगवान कोई नहीं आ रहे, कूदो भैया बचो, अपने आप करना है। जलपोत में पानी घुस गया। ये विवेकी लोगों का अपना अपना विचार है कि कब आपको ईश्वर निराश्रय होके ईश्वर का आश्रय पकड़ ले या अपने आश्रय खोज रहे हैं नए नए। लेकिन तीन साधु ऐसे थे कि वहीं उस जलपोत पर बैठे रहे। उन्होंने कहा कि नारायण हमारी रक्षा निश्चित करें, और यदि नहीं भी करेंगे तो भी वही करेंगे, क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। जो कूद गए हैं उन्हें भी तो वही बचाएंगे, तो हम यहीं बैठे रहते। तो तीन साधु उस जलपोत पर बैठे। जलपोत डूब गया, एक बड़ा सा तख्ता उसमें से टूट के अलग जाने लगा, जिस पे वो तीन साधु बैठे थे। पानी के साथ वो तख्ता बहके समुद्र के किनारे पे पहुंच गया। भूखे प्यासे तीन महात्मा एक समुद्र के तट पे पहुंच गए। कोई नहीं है, सुनसान है, जंगल है। भगवान का बड़ा गुणगान किया। सबसे पहले जाके वहां साधना करने लगे अपनी। स्नान किया, लोटा बाल्टी निकाले। लोटा बाल्टी तो वहां थे नहीं, जो मिल गया प्लास्टिक का कोई टुकड़ा मिल गया, कोई पात्र मिल गया, नारियल का टुकड़ा मिल गया, उसमें जल लेके अपनी नित्य कर्म किए, साधना करने लगे। जब वो साधना कर ही रहे थे कि इतने में वहां उस समुद्र के तट पे, उस छोटे से टापू पर तीन महात्मा पहले से भी रहते थे। टापू वाले महात्मा जो उस टापू पे पहले थे, तीन ये पहुंच गए। अब जैसे ही अपनी साधना का प्रारंभ करते, इतने में वो आ गए और इन्होंने अपनी पूजा पाठ शुरू की। अपना संकल्प, अनन्यास, आवाहन, शुद्धि, सारे कार्यक्रम किए। वो बेचारे जो टापू वाले महात्मा थे, भोले वाले, वो चुपचाप बैठे देखते रहे। इनकी जब साधना पूर्णी हो गई तो फिर उन्होंने पूछा कि आप तो देखो इतनी अच्छी साधना करते हो भगवान की, आप पे सारे नियम आते हैं, आप तो ईश्वर को भी बुलाना जानते हैं, हम पे कुछ नहीं आता है, हमें भी सिखा दो ये सब। तो जो वो तीन जहाज वाले महात्मा वहां पहुंचे थे, बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तो आपको सिखा देंगे, हमें तो अच्छा लगेगा सिखा के। तो उन्होंने उन्हें समझाया कि पहले आसन पर बैठना है, शुद्धि करनी है, धरती माता की जय जय करनी है, दीपक देवता अग्नि को बुलाना है, साक्षी करना है, संकल्प करना है, और फिर अगन्यास करना है, फिर आह्वान करना है, और फिर ये सब करना है, ऐसे बताए सारे नियम। वो बेचारों को जितनी समझ में आई ज्यादा से ज्यादा समझा उन्होंने। अब अगले दिन ईश्वर कृपा से क्या हुआ कि एक जहाज आ गया उधर से गुजरता हुआ। तो जो जहाज वाले तीन महात्मा थे उन्होंने संकेत किया, अग्नि जलाई, अग्नि के धुआं ऊपर गया, और धुएं को देख के जहाज वाले लोगों को लगा कि अरे इधर कोई लोग फंसे हुए हैं, उधर चलते हैं। तो वो जहाज को उधर ले आए। तो वो जो महात्मा जलपोत से छूट के आ गए थे, जो जलपोत में डूबने वाले थे लेकिन टापू पे आ गए थे, आज एक नया जहाज आया, उसमें बैठ के वो चले गए। अब जो टापू वाले महात्मा थे वो वहीं रह गए। अब सुबह जब वो साधना करने बैठे तो वो सब भूल गए कि कैसे कैसे करना था, शुद्धि कैसे करनी थी, अन्यास में क्या पहले शुरू करना था, मंत्र क्या बताया था, सब विस्मित हो गया।
वो बेहल हो उठे, अरे बड़ा कमाल हो गया, बड़ी मुश्किल से कोई एक ऐसे मिले थे जिन्होंने ईश्वर से हमारी संबंध बनाने के लिए डगर दिखाई थी और हम इतने बड़े मूर्ख हैं कि उसको भी भूल गए। तो उन महात्माओं के तो आंसू झड़ने लगे, झरझर उनके आंसू रुके नहीं, तो उन्होंने आप देखा ना ताप देखा और समुद्र पे दौड़ गए, पानी के ऊपर दौड़ते हुए उस जहाज को पुकारते हुए दौड़ने लगे। और दौड़ते दौड़ते उस जहाज के पास पहुंचे जिसमें वो तीन महात्मा जा रहे थे और उस जहाज के आगे खड़े हो गए, बोले रोको 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 रोको। जहाज पे देखा कि ये तीन महात्मा पानी पे खड़े हैं और ये रोको रोको कह रहे हैं, जहाज रोका। उन महात्माओं को ऊपर बुलाया, बोले कि वो जो तीन महात्मा वहां से चढ़े थे टापू पैसे वो कहाँ है। तीन महात्मा बेचारे थके आ रहे, अपना विश्राम कर रहे थे, उनके पास सूचना गई तो वो निकल के बाहर आए। निकल के बाहर आए तो बोले के क्या बताएं, हम तो इसलिए आपको आए हैं कि आपने जो पूजा की विधि बताई थी हमें, आप जैसे ही वहां से गए हम वो मंत्र भूल गए, वो जप करने का भूल गए, हम दिशा किधर बैठना है भूल गए। आपने जो हमें बताया था विधि कि इस तरह शुद्धि करनी है उसे हम विस्मरण हो गए, एक बार और हमें बता दीजिए कृपया। तो वो महात्मा बोले वो तो ठीक है हमें बता देंगे, लेकिन ये बताओ कि तुम आए कैसे यहां तक। बोले कुछ नहीं, हम वहां पर रोने लगे जैसे ही हमारे हाथ से जो है आपके मंत्र और ये सब साधना की विधियां निकल गई तो हम बड़ा बेहल हो उठे और सीधे पानी पे दौड़ने लग गए कि चलो भैया जल्दी से उनको पकड़ो। तो वो जो जहाज वाले महात्मा थे उनके पैरों में गिर गए कि ये सब बेकार है, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल निरर्थक है, उसमें जरूर गलती है, लेकिन आप जो कर रहे हो वो सबसे श्रेष्ठ है, जिसने आपको पानी पे दौड़वा दिया, जिसने प्रभु के प्रति ऐसा प्रेम आपके हृदय में जागृत कर दिया, वही भक्ति वही साधना वही जप तप सबसे ऊंचा है। तो जिस भाव के वशीभूत होकर आप यहां आ गए कुंभ में, आपको यहां तक लेके आ गई है, आपके हृदय में नारायण का भाव उत्पन्न कर दिया है, बस वही जप है, उस भाव को मत मिटने देना, वो भाव ही कठिन समय में काम आता है, वही पुण्यों की पोटली है, बस वो पुण्य करते रहें जिससे वो भाव न टूटे। हृदय में नारायण के प्रति नाम स्मरण कीर्तन अभ्यास हर समय चलता रहे, यही पुण्यों की पोटली है। ये सबसे बड़ी पूंजी है साधना के लिए। आपको बहुत ज्यादा मस्तिष्क को जोर लगाने की जरूरत नहीं है, भक्ति में तो सबरी रूखे बेर खिला रही थी, झूठे और रूखे सूखे भी हैं, और वो उसे प्रेम से खा रहा था। और जो ऋषि मुनि महापुरुष उस जंगल में हजारों वर्षों से साधना कर रहे थे, त्रिकाल संध्याएं कर रहे थे, त्रिपुंड धारण करके बैठे थे, अपनी अपनी धुनिया रमा के बैठे थे, अपने शरीर आत्मा को तपा रहे थे, उनको तो राम ने नकार दिया, पहले स्थान सबरी को दिया। तो जो सरल साधना है, जो सरलता पूर्वक आपको उसके नजदीक ले जाए, उसके प्रति भाव उत्पन्न कर दे, आपको उसे स्मरण करके उच्चता का भाव आवे, मन में श्रेष्ठता आवे, हीनता बिलग हो जाए, आपके अंदर उत्स आ जाए, एकदम जैसे ही भगवान का नाम आया अनेक कष्ट होते हुए भी आपके चेहरे पे एक उल्लासपूर्ण भाव उत्पन्न हो जाए, समझ लेना वो साधना पक्की है।